कि अज तीन वो नौजवान जिहड़े देश दे लई जे उह चाहुंदे तां सरकारी गवाह बन के जां सरकार दे नाल झुक के अपनियां जानां बचा सकदे सी, पर इहो तीन नौजवान 24 साल की उम्र दे विच, तिन्हां दी उम्र 24 साल सी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। शहीदी दिवस पर अमर शहीद सुखदेव थापर के पैतृक घर लुधियाना में हवन करवाया गया। जिसमें मुख्य तौर पर डीसी लुधियाना वीरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र डाबर, डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा आदि गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर हमारे देश के तीन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज एक बहुत इतिहासिक दिहाड़ा हैगा 23 मार्च का। अज असी शहीदां नू नमन कर रहे हैं। शहीद सुखदेव जी के घर आके असी आपकी श्रद्धा सुमन अर्पित किए ने। अज के दिन शहीद सुखदेव, राजगुरु ते भगत सिंह जी, इन्हां तिन्हां ने शहादत का जाम पीता सी, जिदे करके अज असी आज़ाद हवा च सांह लै रहे हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ते ज़िला प्रशासन वल्लों अज परिवार नाल इत्थे मिल के जिहड़ी है श्रद्धांजलि समारोह किया गया। और इहो जिहे जिहड़े साडे शहीद ने, साडी कौम का सरमाया ने, अज दे समें च वी और रहिंदी दुनिया तक आज़ाद हिंदुस्तान जिहड़ा हैगा इन्हां दा जिहड़ा कर्ज़ा उह कदे ला नहीं सकदा। पर असी अपने जिहड़े श्रद्धा सुमन हैगे ने वो अर्पित करके आपदे मन दीआं भावनावां जिहड़ियां हैगीआं दित्तीआं ने। साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उहनां नूं राष्ट्र निर्माण दे लई जिहड़े साडे तीनों शहीद ने इन्हां तों जिहड़ी सेध लैणी चाहीदी है। ऑलरेडी माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वल्लों स्वीकार कर ली गई है। मेरे नाल ही SDM साहब ईस्ट खड़े है, इन्हां नूं एक्विजिशन कलैक्टर उहदे लई नियुक्त कर दित्ता हैगा। 40 गज जगह जिहड़ी हैगी है उह एक्विजिशन होणी है और इन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस आरंभ था उस जगह नु अक्वायर करने का, बड़ी जल्दी वो प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। मैं महिला विभाग विरसा संभाल मंच दी सह प्रमुख पंजाब प्रांत दी इत्थे मेरे नेतृत्व दे विच यह पहला कार्यक्रम है जिथे असी शहीद देश के दे महान शहीदों नूं श्रद्धांजलि अर्पित करन सुखदेव जी के जन्म स्थान पर आए हाँ। तो असी सारे नौजवानों नूं इन्हां दी जीवन तो प्रेरणा लैनी चाहीदी है कि जिस तरह इन्हां ने अपने जान की कुरबानी दिती देश दे लई, उसी सोच नूं सानूं अगे वधाना चाहीदा है कि अपनियां छोटियां छोटियां चीज़ां नूं छड्ड के ते वड्डी सोच वल अगे वधना चाहीदा है। अज 23 मार्च है जी, शहीदों को सिजदा करते हैं सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव थापर जी। अज सुखदेव जी के घर जिहड़ा पैतृक घर है उत्थे पहुँचे हैं, तो मैं जिथे सिजदा करदा उत्थे समुची कोई अज DC साहब भी आए, सारे इन्होंने रस्ता खुलन करन दी जिहड़ी गल कीती है कि सिपास करता, मैं इस गल की वधाई देना, शुक्र है भी 70 साल बाद सही पर सरकार जागी। तो नाल बेनती करांगा इन्हां नूं कौमी शहीद का दर्जा दिता जाए, ता जो जिहड़े नौजवान है, क्योंकि दिलां ते राज करदे भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, तां जो उन्हां दे जिहड़े हिरदे वलुंदरे ने उह ठंडे हो सकण। जिहड़ी कई सालां तों चलदी आ रही सी परंपरा कि इत्थे शॉर्ट रस्ता है कि जे गैप हो के इत्थे आना पैंदा सी मंत्रियां नूं, और इह रस्ता असीं डिमांड कई साल हो गया करदिआं नूं कि चौड़े बाजार तों सीधा रस्ता है, इक 40 गज दी जगह आउंदी है उह सरकार सानूं दे देवे जां आप उहनूं एक्वायर कर लवे, और हुण उहदा प्रोसैस जिहड़ा शुरू हो गया। श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 2018 के विच इहदे लई रेनोवेशन और रस्ते लई 1 करोड़ रुपया पास किया। 2021 दे विच ये पूर्ण रूप से आ रहा है और मैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना कैप्टन साहब का और भारत सरकार का, खास करके वीरेंद्र शर्मा जी जिहड़े पटियाले तो आए, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव दिता कि ये रस्ता और जिहड़ी भूमि है सुखदेव जी की भूमि नूं इत्थे सुंदर बनाया जाए। और डिप्टी कमिश्नर लुधियाना जी का, खास कर वीरेंद्र शर्मा जी जिहड़े इत्थे आए हैं, उन्होंने भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा कि अज तीन वो नौजवान जिहड़े देश दे लई जे उह चाहुंदे तां सरकारी गवाह बन के जां सरकार दे नाल झुक के अपनियां जानां बचा सकदे सी, पर इहो तीन नौजवान 24 साल की उम्र दे विच, तिन्हां दी उम्र 24 साल सी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
तीन दोस्त एक कॉलेज पढ़ने वाले कितों उन्हों की सोच चली कि आप आज़ादी लैनी आप देश को आज़ाद कराना उन्होंने अंग्रेजा को जिन्होंने साडे दे उपर साडे देशवासियों ते तशद्दुद किया होया असी आज़ाद कराना अपनी मातृभूमि अपनी माँ बोली अपने विरसे असी अज आज़ाद कराना उस आज़ादी के लिए ये तीन नौजवान फांसी का फंदा चुमदे हुए शहीद हो गए। धन है इन्हों मावं जिन्होंने ये लाल जम्मे तो उस तो बाद ऐसा सैलाब ऐसा विद्रोह देश के दे अंदर पैदा होया कि अंग्रेज़ हुकूमत जिहड़ी कि 200 साल तो साढ़े ते राज कर रही सी अंग्रेज़ हुकूमत साढ़े देश नू मैं कल्ले भारत की गल नहीं कर रहा मैं नाल पाकिस्तान की भी गल कर रहा उस भारत और पाकिस्तान एक सी दोनों मुल्कों आज़ाद करने लई मजबूर होना पिया। शत शत प्रणाम है इस धरती नौ करे दी नू मैं खुशकिस्मत है कि मैं इस शहीद सुखदेव थापर जी के परिवार का वंशज हाँ मैनू माण है इन्हां ते कि मैं उन्हां दा वंशज हाँ। जय हिंद जय भारत। प्रेजिडेंट श्री सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट एज ए वंशज अशोक थापर अज 90 साल उनको शहादत दी हो गए है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को। ये सुखदेव जी का पैतृक घर है यहाँ उनका जन्म हुआ है 1907 में उनका जन्म हुआ था और रली देवी उनकी माता रामलाल जी उनके पिता। और मैं देखता हूँ जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि 4 साल की उम्र में यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की और जहाँ तियों का मेला लगता था कई सौ साल पहले यहाँ तियों का मेला लगता था वहाँ भी उनको कहते थे बुज़ुर्ग हमारे कि झंडा लेकर वो उठाते थे और जहाँ कोई पिस्टल पड़ी हो वहाँ जो प्लास्टिक की पिस्टल होती वो तीर कमान वैसे ऐसी चीज़ें उठाते थे भारत माता की फ़ोटो होनी वो लेकर घूमते थे। और ये जगह जो ऐसी है कि यहाँ पे शीतला माता का मंदिर मेला भी लगता है बहुत से लोग आते हैं मन्नत मानते और कई जो हमारे पहले यहाँ मैनेजर थे वो बताते हैं कि यहाँ भी लोग मन्नतें मानने आते हैं सुखदेव जी के उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और मैं खुद देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ और लोग बताते हैं मेरे को आके कि हमने ये मन्नत मानी थी ये पूरी हो गई। आज मैं पंजाब सरकार और भारत सरकार का 90 साल में नींद से जागे हैं और जागे तो सही मैं ये समझता हूँ 90 साल भी शहादत को दिए हो गए आज उन्होंने याद कर लिया बड़ी अच्छी बात है भारत सरकार की तरफ से। और पटियाला से वीरेंद्र शर्मा जी हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खास करके कैप्टन साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने 2018 में 1 करोड़ रुपए इसके सौंदीकरण के लिए पास किया था और रास्ते के लिए हमने डिमांड की थी कि 40 गज का जगह है जो एक्वायर करके ये रास्ता सिर्फ नज़दीक चौड़ा बाज़ार में निकल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि लोग जो बच्चे आते थे PhD करने भी फ़ौरन से भी कभी बच्चे आते हैं तो उनको रास्ता नहीं मिलता था मेंबर पार्लियामेंट भी कई आए यहाँ पे स्टेशन पे हमें फ़ोन कर देते कि हमारे को रास्ता नहीं मिला इसलिए हमने डिमांड की थी कि जगह का रास्ता निकल जाए तो लोग आसानी से आ जाकर इनको नमन कर सकें। और देश की आज़ादी को 75 साल होने को आ रहे हैं और मैं समझता हूँ इनको भगत सिंह की प्रतिमा पार्लियामेंट में लगी हुई है राजगुरु की और सुखदेव की नहीं पार्लियामेंट में लगी हुई हमने वो भी प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि उनकी प्रतिमा भी तीनों जिसम एक जान थे वो उनकी भी प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए। और रास्ता का हमारा जो प्रोग्राम है डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया और पटियाला से वीरेंद्र शर्मा जी ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए ये रास्ता निकल जाएगा बड़ी आसानी हो जाएगी बच्चों को और यहाँ पे जो उनको नमन करने के लिए आते हैं और उनको बड़ी सहूलत मिल जाएगी। जय हिंद जय भारत। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ एकता की रिपोर्ट सिटी होम न्यूज़।